सैडनेट में लगे स्ट्रॉबेरी के खेत को देखिए। ये खेत सोनीपत जिले में मनोली गांव के रहने वाले परवीन कुमार का है। किसान परवीन कुमार स्ट्रॉबेरी के इस एक एकड़ के खेत से अब तक 4 लाख रुपए से अधिक की आमदनी ले चुके हैं और अप्रैल माह तक चलने वाली इस फसल से 2 से 3 लाख रुपए तक और कमाएंगे, मतलब एक एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए तक की आमदनी होगी। आखिर परवीन कुमार स्ट्रॉबेरी के खेत से लाखों कैसे कमा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सन 2002 के आसपास कुछ नया करने का विचार आया तो उस टाइम स्वीट कॉर्न जो है ना वो अपनाई और उसकी खेती अच्छे से की। उसके साथ साथ हर साल ब्रोकली और लेटूस और कई चीज़ों की खेती की तो सारी चीज़ सक्सेस नहीं हुई। कुछ बाज़ार की वजह से, कुछ समय की वजह से। उसके बाद 2009-10 में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अडोप्ट किया और उससे बहुत अच्छी हमने शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन और भी कॉलीफ्लावर, कैबेज अच्छी फसल आई। 2011 में पोली हाउस की टेक्निक आई और पोली हाउस भी मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और उसमें हर साल ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा है सारा खर्चा काट के। और अब की बार मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती करी है, अभी तक 4 लाख से ऊपर की बिक्री हो चुकी है। आज 5 फरवरी है तो अभी ये 5 अप्रैल तक तो चलेगी, तो मान के चलो 2 से 2.5 लाख रुपए और आ जाएंगे। इसमें 1.5 लाख रुपए करीब खर्चा आया है। इसके लगाने के लिए कम से कम भी 3 महीने ज़मीन खाली रख कर और उसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और गोबर की खाद मिला के अच्छी तरह से करेंगे तो बीमारी भी कम आएगी, पौधा स्वस्थ होगा और अच्छी क्वालिटी बनेगी। और हम जितना ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, मतलब हम जितना वेस्ट डिकम्पोजर यूज करेंगे खेती में, किसी भी फसल में करें, इसमें नहीं किसी भी फसल में करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। किसानों को बागवानी की तरफ जाना चाहिए। बागवानी की तरफ जैसा जिसका माहौल है, जैसा जिसकी ज़मीन है, उसमें जो भी विशेषज्ञ है उन्हें गाइड करें, चाहे वे बाग लगाएँ, चाहे सब्जी की खेती करें, चाहे फूलों की खेती करें, अपने बाज़ार मार्केट देख के और आसपास में जो भी उन्हें सूट करता है उन्हें अवश्य करना चाहिए। इस धान गेहूं के चक्कर से निकलकर अगर कुछ अपनी ज़मीन में थोड़ा 10-20% वे करते हैं तो उसमें लगातार आमदनी आती रहेगी और उससे बहुत अच्छा जो है ना घर का खर्चा चलेगा। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, जिसके पास भी ज़मीन है, पढ़े लिखे युवा हैं, तो उन्हें बाहर से जो भी तजर्बा मिलता है, जितना भी इनपुट मिलता है वो लेके तब खेती करें तो बहुत अच्छे आइडिया अच्छे होंगे, उनके विचार अच्छे होंगे। क्योंकि जो भाई बिना पढ़े लिखे खेती करते हैं तो वे बहुत अनसेफ होके खेती करते हैं, वे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जो आदमी बाहर निकल के बाहर तजर्बा लेता है वो देखता है कि मेरे दूसरे भाई जो है बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं तो वे रिस्क लेके ने और तजर्बा लेके बहुत अच्छी खेती अपने कर सकते हैं। आज मैं 10 एकड़ की खेती करता हूँ और एवरेज में कम से कम 2000 कार्य दिवस में जो है मेरे पास मजदूर लगे रहते हैं, तो इतने आदमियों को मैं खुद रोज़गार दे रहा हूँ। किसान भाइयों, आप भी परवीन की तरह आधुनिक तरीके से खेती कर प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस जरूरत है सही जानकारी और तकनीक की। बागवानी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।